श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, शोपिया, राजौरी, पुंछ में छापेमारी की जा रही है। 2 मई को भी जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में छापेमारी की गई थी। तो एनआईए का एक्शन देखिए किस तरीके से देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, ये वो इलाके जहां छापेमारी जारी है। कुपवाड़ा, शोपिया, राजौरी, पुंछ में भी छापेमारी जारी है। 2 मई को भी जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में छापेमारी की गई थी। तो लगातार छापेमारी जो है जम्मू कश्मीर में जारी है टेरर फंडिंग को लेकर। साहिल सोहेल हमारे साथ है, श्रीनगर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, 2 मई को भी छापेमारी हुई थी और अभी भी छापेमारी हो रही है, फिलहाल क्या ये छापेमारी जारी है और क्या कुछ मिला है एनआईए को? देखिए, एनआईए की ओर से छापामार कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। इस वक्त दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ राजौरी और पुंछ में भी इस तरह की छापामार कार्रवाई हो रही है। जैसे आपने सही बताया, इस महीने की 2 तारीख को भी एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर के 16 लोकेशंस पे इस तरह की रेड्स हुई थी। टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसी को लेकर ये छापामार कार्रवाई हो रही है। सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि उन घरों पर छापामार कार्रवाई है वो जो कहीं ना कहीं पर आतंकवाद के साथ कहीं ना कहीं से संबद्ध है, और इसी के चलते जो है एनआईए छापामार कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल वहां पे डॉक्यूमेंट्स सीज किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मोबाइल फोन और लैपटॉप वगैरह जो है वो भी फिलहाल सीज किए जा रहे हैं। कुलगाम में एक व्यक्ति को एनआईए ने क्वेश्चनिंग के लिए फिलहाल डिटेन किया है और इस वक्त लगातार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में एनआईए की रेड्स जारी है।